सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर पाठिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना हाँ। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। सो अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि ना जाने किनिया क्वेरीज किन्ने कॉमेंट्स साढ़े को इस टॉपिक पर आए हैं। सो ये टॉपिक जोड़ा है मैं काफ़ी हैरान हाँ कि बहुत सारिया फाइल असी लोग इस टॉपिक के उत्ते करने बट ये उत्ते काफ़ी कन्फ्यूजन है। सो अज का मेरी जी कोशिश है इस कन्फ्यूजन को क्लीयर करन दी है। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखो। सो वीडियो शुरू करने तो पहला थोड़े अगर रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो जे तुम हूँ तक सबसक्राइब नहीं किया क्योंकि असी इस चैनल पर बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन न्यूज़ अपडेट थोड़े ना शेयर करने हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज नाल। सो बिना होर देर कीतियां होया अज दा जिहड़ा टॉपिक है इट्स अ हॉट टॉपिक। बहुत सारे लोगों की यह रिक्वेस्ट सी जिन्हों मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हाँ। सो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, जी हाँ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट शॉर्ट है चनू SOWPV कहते हैं क्योंकि एक काफ़ी सारे चीज़ों के उत्ते रिलेटिड टॉपिक है। इस टॉपिक नू मैं एक पार्ट कवर नहीं कर सकता इस करके मैं पार्ट वन यदा बना रहा शॉर्टली ये बाकी पार्ट भी मैं थोड़े सामने लैके आवांगा। सो पार्ट वन दे विच असी एक सैगमेंट नू टच कर रहे हैं तुसी खुद समझ सकते हो कि किन्नी सारी गलत इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ते इस करके मैनू है इन्ना डिटेल तुहाडे नाल जाके दसना पै रहा है। सो सब तो पहला गल करनी आ क्यों ये पॉपुलर है, क्यों SOWPV इन्ना ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों ये बारे हर बंदा ये बारे पूछना चाहता है जानना चाहता है क्यों, क्योंकि ये बेनीफिट बहुत सारे ने और वो बेनीफिट ही जड़े ने पॉपुलर बनाते हैं। एक एक करके पहले बेनीफिट देखने फिर इस बारे गल करने। सब तो पहला बेनीफिट जड़े ने और बेनीफिट जड़े ने जी सब तो पहला यह है कि वाइफ हसबेंड और वाइफ जड़े ने कट्ठे एक छत थले रह सकते हैं क्योंकि कई बार होंगे कि हसबेंड जड़े ने वो कैनेडा ने वाइफ जी इंडिया है या वाइफ कैनेडा चे हसबेंड इंडिया च ने इतने ये सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्क परमिट ना दोनों एक छत थले रह सकते हैं। सो लोंग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तुसी कट्ठे एको थावें रह सकते हो। ये अलावा जोड़े बेनीफिट ने एक बंदा कमा सकता है दूजा पढ़ सकता है। जोड़े मज़ेदार बेनीफिट्स ने वो ये है कि आइल्स नहीं चाहिए जी, आइल्स नहीं चाहिए, लैंग्वेज कोई किसी तरीके का लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए। सो बिना वो आ सकते हो। अगे चलने ECA भी नहीं चाहिए, एजुकेशन क्रीडेंशियल असैसमेंट जी नहीं चाहिए। एक कोई ड्रीम नहीं है मैं जो जो चीज बोल रहा तुम अगे देखते जाओ। डिग्री भी नहीं चाहिए, तुम नहीं ग्रैजुएशन की 12th पास हो 10th पास हो कोई फर्क नहीं पैंदा फिर भी कैनेडा आ सकते हो। सो डिग्री भी नहीं चाहिए, हाँ जी जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए और बेनीफिट इन्ने सारे ने कि एक स्लाइड तो पूरे नहीं आ रहे। सो मैं स्लाइडा तक दो कर पै रही ने। सो अगे चलें जो कंटिन्यूएशन च ने बेनीफिट ऐसे करके जोड़ा है SOWPV इन्ना ज़्यादा पॉपुलर है। सो बेनीफिट की ने लीमिया भी नहीं चाहिए, लेबर मार्केट इंपैक्ट असैसमेंट नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ काम किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तो बाद तुसी कैनेडा च आके भी जॉब लभ सकते हो, यानी कि जॉब लैके आना आओ कोई गल नहीं इत्थे कैनेडा आ जाओ आराम नाल सैटल डाउन हो जाओ फिर जॉब लभ लो और किसी भी इंपलॉयर वास्ते तुसी काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो। 20 घंटे स्टूडेंट जिहड़े ने उन्होंने 20 घंटे अलाउड है, तुसी फुल टाइम काम कर सकते हो और कोई प्रूफ ऑफ फंड देन की भी लोड़ नहीं। जिहड़ा बंदा होम कंट्री च जिहड़ा कैनेडा है उन्होंने प्रूफ ऑफ फंड देना पेगा बट जिहड़ा होम कंट्री दे विच बैठा उन्होंने कोई प्रूफ ऑफ फंड देने की लोड़ नहीं, कोई अकाउंट स्टेटमेंट लाने की लोड़ नहीं। सो इन्ने ज़्यादा बेनीफिट ने ऐसे करके ये चीज़ इन्नी जबरदस्त पॉपुलर है। सो अगे गल करने कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कह तो सारे देंगे ने लेकिन मतलब की है वो क्लीयर बहुत थोड़े लोगों को है। सो अगर असी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नू वर्ड्स नू देखिए तो वो जोड़े वर्ड्स ने एक स्पाउस है एक ओपन है एक वर्क परमिट है। सो पहले एक एक चीज़ नू समझन की कोशिश करो तो बहुत सारी क्लैरिटी तुहानू आपे ही हो जाएगी। साड़ी डेफिनेशन जी है ना स्पाउस की कुछ हो रही तो कैनेडियन लॉ की डेफिनेशन कुछ हो रही। सो सानू कैनेडियन लॉ के हिसाब से स्पाउस की डेफिनेशन समझनी पेगी। सो कैनेडियन लॉ के हिसाब से तीन काइंड ऑफ रिलेशनशिप जी ने
वो एक्सेप्टेबल ने एज अ स्पाउस पहली जिहड़ी कि लीगल मैरिज है जो असी कोर्ट च कीती चाहे गुरुद्वारे च मंदिर च किसी चर्च च किसी जगह पर भी की और साडे कोल प्रूफ हैगे ने लीगल मैरिज राइट। उहदे इलावा हुण दूजे केस जिहड़े ने उहनां विचों एक हैगी है कॉमन लॉ रिलेशनशिप और दूजी हैगी है कॉन्जुगल रिलेशनशिप। सो ये दोनों जिहड़ियां ने मैं काफ़ी डिटेल च डिस्क्राइब कीतियां होईयां ने अपने एक वीडियो स्पाउजल प्रोग्राम दे विच स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम दे विच तुसी उत्थे भी जाके ए चीज़ देख सकते हो। वर्क परमिट दूजी चीज़ हैगी है वर्क परमिट। हुण वर्क परमिट की है सो वर्क परमिट की अगर गल करिए वर्क परमिट एक रिटन ऑथराइजेशन है खाली हवा च नहीं रिटन ऑथराइजेशन है। किनू दिती जाती है जी फॉरन नैशनल दिती जाती है जो कि कैनेडा का ना तो पी आर कार्ड होल्डर है ना सिटीजन है फॉरन नैशनल उन्हों दिती जाती है ऑथराइजेशन। देंदा कौन है देंदा है वीजा ऑफिसर और किस वास्ते देंदा है कि बई तू कैनेडा आके काम कर सकना। सो ये वर्क परमिट का मतलब है राइट। हुण अगर असी गल करिए तो ओपन की है ओपन हैगा जी किसी भी प्रोफेशन च तुसी काम कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इत्थे नहीं करना इत्थे नहीं करना। सो ओपन वर्क परमिट हैगा। अगली गल करिए हुण जिहड़ा SOWP है स्पाउजल ओपन वर्क परमिट। सो स्पाउजल ओपन वर्क परमिट दियां कैटेगरी की ने। सो ये जिहड़ा SOWP है ये आंदा हैगा IMP हैगा जी इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम ओदे विच C42 कैटेगरी है C41 कैटेगरी है असी एक एक करके गल करने हैं। सो SOWP दियां जिहड़ी कैटेगरी ने एक हैगी है स्टूडेंट की ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ IMP C42। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ C41 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ PR ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਓਪਨ ਬਟ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਓਪਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨਲਸ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬਟ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਫੋਰਨ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ SOWP ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ DLI ਤੋਂ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ DLI ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ
जिहड़ा कोई पब्लिक जिहड़ा हैगा पोस्ट सैकेंडरी स्कूल, पोस्ट सैकेंडरी का वर्ड जिहड़ा इंपोर्टेंट है। सो पोस्ट सैकेंडरी का मतलब है बारहवीं तो बाद, प्लस टू तो बाद तुसी भावें कॉलेज करो, भावें यूनिवर्सिटी करो, भावें ग्रैजुएशन, भावें पोस्ट ग्रैजुएशन, भावें डिप्लोमा, कुछ भी हो, लेकिन बारहवीं तो बाद ही है ना। सो पोस्ट सैकेंडरी पब्लिक दे विच, पब्लिक फंडेड कॉलेज हो सकता है, और या फिर वो जिहड़ा हैगा है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, सीजैप हो सकता है अगर क्यूबेक दे विच है, ते या प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है अगर क्यूबेक दे विच है, या कैनेडिया कैनेडा दे विच अगर कोई प्राइवेट कॉलेज हैगा जिहड़ा इस डिग्री या डिप्लोमा अवार्ड अवार्ड करता है वो भी हो सकता है। सो ये रिक्वायरमेंट हैगी है इंटरनेशनल स्टूडेंट जिहड़ा कैनेडा च हैगा ते उहदे बेस ते उहदियां रिक्वायरमेंट ने। हुण जिहड़ा होम कंट्री च बैठा है उदियां भी कुछ रिक्वायरमेंट्स ने, उदियां रिक्वायरमेंट्स ने। सब तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसते बहुत स्ट्रेस दे रहा हाँ, प्लीज़ इनू समझने की कोशिश करो। इसते मैक्सिमम जड़े मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिफ्यूजल्स आते हैं सिर्फ ऐसे एक कारण करके आते हैं कि तुसी कुछ नहीं दे रहे, ना तुसी आइल्स दे रहे हो, ना तुसी ईसीए दे रहे हो, ते वो तुहानू वर्क परमिट दे रहे हैं, ते तुसी जड़ी रिलेशनशिप है वो सिर्फ तुहानू रिलेशनशिप के बेस से मिल रहा है, ते अगर वो रिलेशनशिप भी तुसी प्रूफ नहीं कर सकते तो तुम्हें नहीं मिलेगा। सो जेन्युइनिटी, मैं समझना तुम्हारी रिलेशनशिप जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने जेन्युइनिटी को प्रूफ किस तरह करना है? ना तुसी जाना वीजा ऑफिसर को, ना मैं जाना वीजा ऑफिसर को, किने जाना साड़ी फाइल ने। सो फाइल ने जाना, वो फाइल अगर यह प्रूफ नहीं कर सकती, हालांकि रिलेशनशिप जेन्युइन है, लेकिन फाइल ने प्रूफ करना है कि यह रिलेशनशिप जेन्युइन है, तो वीज़ा ऑफिसर को इस गल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यह रिलेशनशिप जेन्युइन है, ये स्टेटस पान वास्ते यह रिलेशनशिप नहीं हैगी। सो ये जेन्युइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके मैक्सिमम रिफ्यूजल्स आते हैं। मैं अगे तो रिफ्यूजल्स की भी डिटेल दसागा। सो अगला जो रीज़न है वो हैगा कि जी एडमिसिबल होना चाहिए, एडमिसिबिलिटी अपने आप बहुत वड्डा टॉपिक है। सो फॉर नाउ मैं सब तुम इन्नी गल कहना कि किसी तरीके ना कैनेडा च उन्हें बैन नहीं होना चाहिए, वो बंदा जिहड़ा होम कंट्री च कैनेडा च आना वह अलाउड होना चाहिए। सो लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, वो तुसी किस तरह प्रूफ करोगे जी? पीसीसी के थ्रू, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के थ्रू। सो डेंजर नहीं होना चाहिए कैनेडा नूं किसी तरीके का उहदी वजह नाल, ते गुड हैल्थ च होना चाहिए, तो मैडिकल एग्जामीनेशन करा के तुसी प्रूफ कर लोगे। सो कैनेडा रेगुलरली एक लिस्ट ऑफ इंपलॉयज रिलीज़ करता रहता है कि जिहड़ियां इनएलिजिबल ने, ए बी सी इनकॉरपोरेशन, एक्स वाई जैड इनकॉरपोरेशन, वो उन्होंने दस्या होया कि जी ए इनएलिजिबल ने किसी काम वास्ते भी, तो उहदे कोल काम नहीं कर सकते तुसी, राइट। वो लिस्ट जिहड़ी इहनां दी पब्लिश हुंदी है, और उहदे इलावा जिहड़ी हैगी है कि तुसी कोई भी इस तरीके का सैक्टर जिहदे विच कि एरोटिक डांसिस ने या एरोटिक मसाजिस सर्विसिज ने, उन्होंने तुसी काम नहीं कर सकते। सो ये एक रिक्वायरमेंट जिहड़ी हैगी है एप्लीकेंट दे वास्ते है, पहली रिक्वायरमेंट थोड़ी मैं दसी जिहड़ी कि स्टूडेंट वास्ते है। सो स्टूडेंट और एप्लीकेंट दोनों की रिक्वायरमेंट अगर क्लीयर ने, तो उस तो बाद गल करने हैं कि हू कैन जो कद तुसी अपलाई कर सकते हो, वैन कैन यू अपलाई फॉर एस ओ डब्ल्यू पी। सो एस ओ डब्ल्यू ए भी बहुत कन्फ्यूजन है, ये इस करके कन्फ्यूजन है क्योंकि लोग यही समझते हैं कि कैनेडा आके ही अपलाई होंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो ये तीन डिफरेंट सिचुएशंस ने किड़िया ने देखने हैं। सो एक तो तुसी जो तुसी स्टडी परमिट अपने वास्ते अपलाई कर रहे हो, अपने स्पाउस वास्ते उस वक्त तुसी वर्क परमिट भी अपलाई कर सकते हो, जी हाँ उस वक्त भी अपलाई कर सकते हो। सो अलोंग विद योर स्टडी परमिट तुसी अपलाई कर सकते हो। जे तुहानू लगता है कि नहीं पहले मैं आ जावां कैनेडा आके मैं सैटल हो जावां, मैं कोई जगह ले लवां, किदरेश अपनी पढ़ाई शुरू कर लवां, एक दो महीने बीत जाण ते मैं उस तो बाद उन्होंने बुलावा हसबैंड नूं अपने, तो ये भी हो सकता है। तो उस सैकेंड केस जिहड़ा है कि तुसी अपलाई आफ्टर यू कम टू कैनेडा, तो उहदे विच जिहड़ा जी हैगा कि एक एनरोलमेंट लैटर तुहानू नाल देना पवेगा। सो जो तुहानू एनरोलमेंट लैटर मिल जाए ते आफ्टर यू कम टू कैनेडा ते तुसी एनरोलमेंट लैटर दे थ्रू नाल लगा के ते तुसी ओ भी कर सकते हो। एक तीजी सिचुएशन है जिहदे विच ए है कि नहीं मैं पढ़ाई पहले खत्म कर लवां, पढ़ाई खत्म करके फिर हसबैंड नूं कॉल करा। सो ये भी एक ऑप्शन हैगी है, जे जिन्हों उस नूं असीं कहने आ कि कंप्लीट योर स्टडीज़, उस तो बाद तुसी क्योंकि पी जी डब्ल्यू पी है पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट हैगा ते तुसी जॉब शुरू कर लैंदे हो, ते जॉब शुरू करदे हो कोई भी नॉक ए बी या ओ कैटेगरी दे विच, अगर मान लो तुसी बी कैटेगरी भी जॉब शुरू करदे हो और तुहाडे कोल तीन पे स्टब आ जांदियां ने, ते तां तुसी जिहड़ा हैगा फिर दोबारा तो एस ओ डब्ल्यू पी वास्ते अपलाई कर सकते हो, क्योंकि
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੂਫ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਰੂਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਸ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਮੇਡ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੋ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 200 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਐਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਰਡ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੂਫ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਦਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਪਰੂਫ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ $255, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $100 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ $155 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, $255 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? ਸੋ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਉਹ PPR ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ PPR ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। PPR ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜੁਅਲੀ 4 to 5 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਯੋਰ ਕੇਸ,
डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कितों फाइल किया है, बहुत सारे रीजनस ने। बट आप चार तो पाँच महीने कोविड करके भी फर्क पिया इस टाइमलाइन के उत्ते, बट चार तो पाँच महीने असं ला के चलीए कि इन्ने दे विच आ जाता है। बट अजक सारिया ही टाइमलाइन हिलिया हुई ने। सो हाउ लोंग इज़ द वर्क परमिट, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वर्क परमिट जोड़ा है तोड़ा उन्ना को लंबा है जिन्ना को स्टडी परमिट लंबा है, तोड़ा जो भी उत्थे स्पाउस कैनेडा च पढ़े उन्होंने स्टडी परमिट जिन्ना लंबा है उन्ना ही वर्क परमिट लंबा है। सो होर अगर तुहानू कोई भी क्वेरी है, कोई भी इनफॉर्मेशन है, तुसी इस ते देखना चाहते हो, तुसी वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं तो तुसी सानू साडे ऑफिस च कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साडा ऑफिस ब्रैम्पटन च लोकेटेड है और ईमेल आई डी और फोन नंबरस इत्थे लिस्टिड ने। वंस अगेन अगर तुसी चैनल नू हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। सो थैंक यू वेरी मच for watching the video. Thanks.